हेलो नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण की टॉप 5 मूवीज़ के बारे में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में ज़बरदस्त कमाल का कलेक्शन किया है। टॉप 5 मूवीज़ के बारे में तो बताऊंगा ही, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रामचरण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े स्टार हैं। हाल ही में पिछले साल उनकी मूवी रिलीज़ हुई थी RRR, जिसने कि सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए थे। अगर हम टॉप मूवीज़ की बात करें तो सबसे पहले 5th पोजीशन की मूवी की बात करते हैं, जो की थी विनाया विधाया रामा। ये मूवी 2019 में रिलीज़ की गई थी। रामचरण ने अपनी इस मूवी से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। इस मूवी ने ओवरऑल ऑल तेलुगु स्टेट्स में तो अच्छा कलेक्शन किया ही किया था, लेकिन ओवरसीज़ मार्केट में और वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया था। अगर हम एग्जैक्ट मूवी के बॉक्स ऑफिस अपडेट की बात करें, कलेक्शन की बात करें, तो इस मूवी ने फर्स्ट डे में ही, जी हाँ फिर से बता दूँ कि इस मूवी ने अपने पहले दिन में ही इतना अच्छा कलेक्शन किया था कि ये मूवी 40 करोड़ प्लस का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। अगर हम टोटल वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इस मूवी को वर्डिक्ट तो हिट का मिला था, लेकिन मूवी का जो कलेक्शन रहा था ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो रहा था लगभग 97 करोड़ 90 लाख का, या आप कह सकते हैं 100 करोड़ का। ओवरसीज़ में मूवी ने 3 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया था, और वर्डिक्ट जैसे मैंने कहा एवरेज से हिट तक वर्डिक्ट मूवी को मिला था। विनय विधाया रामा, जो कि 2019 में मूवी रिलीज़ की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मूवी आती है जो कि इनके आप कह सकते हैं कि एक 2016 की मूवी है, पुरानी मूवी है, जिसका नाम है ध्रुवा। रामचरण की इस मूवी ने इतना अच्छा कलेक्शन किया था कि 2019 की मूवी से भी बढ़िया कलेक्शन 2016 की मूवी ध्रुवा ने किया था। इस मूवी में हमें रकुल प्रीत भी रामचरण के साथ देखने को मिली थी। रामचरण ने अपनी बॉडी पे इस मूवी के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया था। मूवी के बारे में बात करें तो लगभग 45 से 50 करोड़ का मूवी का बजट था। मूवी ने पहले ही दिन में 20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वर्ल्ड वाइड में मूवी का 102 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन हुआ था, और मूवी का जो वर्डिक्ट मूवी को मिला था वो था ब्लॉकबस्टर का। नंबर 3rd पोजीशन पर अगर हम बात करें तो मूवी आती है 2009 की, जी हाँ 2009। तो आप यही इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2009 की मूवी भी अगर टॉप 5 की लिस्ट में आ रही है तो वो कितनी बड़ी बात है। SS राजामौली थे, श्रीहरि और काजल अग्रवाल और रामचरण मेन लीड रोल में थे, और SS राजामौली ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस मूवी ने एक नया ट्रेंड सेट किया था अपने सिनेमेटोग्राफी VFX को लेकर के। इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, रामचरण की फ़ैन फॉलोइंग को अमेरिका UK में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मूवी का जो बजट था वो सिर्फ 35 करोड़ का बजट था, लेकिन मूवी का जो वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन रहा था वो था लगभग 150 करोड़। वर्डिक्ट मूवी को मिला था ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का, क्योंकि अपने बजट से लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा इस मूवी ने कलेक्शन किया था। करियर चेंजिंग मूवी रामचरण के लिए रही थी रंगस्थलम, जो कि 2018 में मूवी को रिलीज़ किया गया था। रंगस्थलम 1985 मूवी का नाम था। रामचरण को एक गांव के किरदार में इस मूवी में दिखाया गया था। मूवी बिगेस्ट हिट रही थी रामचरण के करियर की 2018 तक की। और अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रामचरण की परफॉर्मेंस को तो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, क्योंकि यह बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था, गांव का कैरेक्टर था, जो कि रामचरण ने बखूबी निभाया था। अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस की। मूवी ने बॉक्स ऑफिस में जितना शानदार कलेक्शन किया वो देखने लायक था। बजट मूवी का 55 से 60 करोड़, यानी कि 55 से 60 करोड़ का था। फर्स्ट डे में 42 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऑल ओवर इंडिया से 143 करोड़ का कलेक्शन किया था, और वर्ल्ड वाइड से इंडिया ने टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया था 177 करोड़। और वहीं वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो मूवी का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ प्लस का था। मूवी को वर्डिक्ट मिला था ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का। वहीं
आप सोच रहे होंगे कि नंबर वन पे कौन सी मूवी है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है RRR 2022 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसने रामचरण को सिर्फ तेलुगु का स्टार ही नहीं पैन इंडिया स्टार बना दिया। अजय देवगन, आलिया भट्ट जूनियर, NTR और रामचरण इसमें हमें देखने को मिले थे। SS राजामौली के करियर की भी ये सबसे बड़ी मूवीज़ में से एक थी। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के अपार सफलता के बाद SS राजामौली की ये पहली मूवी रिलीज़ हुई थी और इस मूवी ने भी सक्सेस होकर के ये दिखा दिया कि SS राजामौली सच में जीनियस है। इस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ऑस्कर भी मिला, जिससे ये भी साफ हो गया कि इंडियंस अब ऑस्कर में जाकर के भी कमाल करेंगे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस मूवी ने सबको हिला करके रख दिया। पूरा का पूरा इंडिया जो है इस मूवी को देखने के लिए थिएटर में चला गया, ऐसा आप कह सकते हैं बॉक्स ऑफिस को देख करके, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे मूवी का जो कलेक्शन रहा है वो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा रहा है। जी हाँ, लिटरली मैं कह दूँ मूवी का जो बजट था वो था लगभग 400 करोड़ का। मूवी ने ओवरसीज़ में 281 करोड़ का कलेक्शन किया था, इंडिया में 921 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में 1202 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि रामचरण की करियर का अभी तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। आपको क्या है कहना SS राजामौली की इस मूवी RRR के बारे में? आपको टॉप 5 मूवीज़ जो मैंने अभी बताई उनमें से आपको क्या लगता है कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है? अभी तक की बात करें तो नंबर 1 मूवी जो रही है रामचरण की वो है RRR, जिसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिला था। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।